नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज और मैं हूँ ज्योति राघव। आज हम बात करेंगे कुम्हार समाज की, जिन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। जयपुर के आसलपुर गांव में कुम्हार समाज के प्रमुख सदस्य गोपाल लाल और राधे श्याम प्रजापत ने मिट्टी के दियो और बर्तनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल दियो और चाइनीज लाइटों के कारण पारंपरिक मिट्टी के दियो की बिक्री में भारी गिरावट आई है, जो सीधे उनके पारंपरिक व्यवसाय को प्रभावित कर रही है। देखो भी ये मेहनत होती है, एक बर्तन 10 बारी तो हाथ में दन में निकल जाए, और जब तक वो पके को नहीं, जब तक 120-130 बार हाथ में मिले ही मिले जी। और 3 आदमी हमेशा लागे रहे जी के कहने, कोई कुटे लो, कोई बेहवा लो, कोई भी बारे काटे लो, और मैं आने बनाऊँगा। अब 3 आदमी मेहनत तो देखो, तो आज ये 500 रुपये लियावे तो 1500 रुपये हमारी हाजिरा होगा। अगर 500 रुपये लियावे नहीं तो 1500 हमारी हाजिरा होगा आज। पर कही चलो ठीक भाई, आप बड़गांव नाम से चलाओ ये काम ने, जिसने महंगाई देगा आपको हिसाब देखो, महंगाई कितनी महंगाई है तुम्हारी, कुछ तो ये महंगाई हिसाब हमारी भी चीज बढ़ाओ। दीपावली का त्योहार कुम्हारों के लिए आमदनी का बड़ा जरिया होता है, लेकिन इस बार स्थिति अलग है। राधे श्याम प्रजापत बताते हैं कि पहले 50-60 लोग इस पेशे से जुड़े होते थे, लेकिन आज बहुत कम लोग इस पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े हैं। चाइनीज लाइटों की चमक ने मिट्टी के दियो की मांग को काफी हद तक घटा दिया है। बीजेपी गवर्नमेंट से अनुरोध करता हूँ कि हमारे कुम्हार समाज को बढ़ावा देने के लिए, जैसे ये मिट्टी के ऊपर हमारे को सब्सिडी मिलनी चाहिए, चाक पे मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से हमारे सभी समाज बंधुओं को चाक फ्री मिलना चाहिए, लोन वगैरह मिलना चाहिए, और मिट्टी के जितने भी बर्तन हैं उसकी हमारे को रेट सही तरीके से मिलनी चाहिए, क्योंकि आजकल ये चाइना वाले दीपक वगैरह ये हमारी मजदूरी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया इन्होंने, तो हमारे दीपक की रेट 2 रुपये होनी चाहिए, हीड़ की 10 रुपये होनी चाहिए, मिट्टी की मटकी की रेट होनी चाहिए 100 रुपये कम से कम, पानी की बोतल की रेट होनी चाहिए कम से कम 200 से 250 रुपये। ये हमारी माटी कला बोर्ड ने अभी नई रेट निकाली है और हम अभी तक पुराने रेट में चल रहे हैं। कुम्हारों ने सरकार से सब्सिडी और सहायता की मांग की है। वहीं गोपाल लाल का कहना है कि मिट्टी का काम कठिन और महंगा है, काली मिट्टी दूर के क्षेत्रों से लानी पड़ती है, जिसमें समय और पैसा दोनों खर्च होते हैं। उन्होंने सरकार से गुजारिश की है कि मिट्टी पर सब्सिडी दी जाए और चाक व लोन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। दूर से आती है ये मिट्टी, करना होना मिट्टी करना, मिट्टी मतलब 10 बार कोस में आती है, ऐसी नहीं मिलती है भाई मिट्टी या जमीन मिलती नहीं, नहीं वो तो आगे मिलती है या आगे मिलेगी या खाना ही इसका इनका खोदने का, वो तालाब है या मुकमरा है, हिंगुनिया है, वो नंदी का मान तालाब है वहाँ से लेते हैं। अब वहाँ भी ऐसी हो गई पाबंदी, जो वहाँ के डाल्टी दे क्या हो, बंद मजदूरी दे क्या हो, क्योंकि तो बड़ा मतलब आजाद हो जाए बड़े लेते मांगने। इसके अलावा कुम्हार समाज उचित मूल्य निर्धारण की भी मांग कर रहा है। राधे श्याम प्रजापत ने उम्मीद जताई है कि यदि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान देती है तो आने वाली पीढ़ी को इस परंपरा को जारी रखने का प्रोत्साहन मिलेगा। तो दोस्तों, कुम्हार समाज की अपील हमें याद दिलाती है कि हमारी परंपराएं और स्थानीय कला कितनी महत्वपूर्ण है। क्या सरकार उनके संघर्ष को समझेगी और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करेगी? आने वाले समय में इस मुद्दे पर क्या कदम उठाए जाएंगे, यह देखने के लिए हमें नजर रखनी होगी। आप हमें अपने विचार बताइए कि क्या हम सभी को मिलकर इस पारंपरिक कला को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए और नई खबरों के लिए जुड़े रहिए। नमस्कार।